हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। चलिए आज सीखेंगे लेटर सीरीज। सबसे पहले आपको बता दें ये सब क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। बता दें, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव एंड टेक द एप्रोप्रिएट। जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, ये 2012 में CGL में पूछा हुआ था। एक्यूरेट नहीं है, 2012 या 13 में मैंने पूछा हुआ था। जैसे दिल्ली, ये DLIP है, फिर FNQR, तो ई से होता है, इसका रिलेशन यहाँ निकालना होता है इसमें से। ठीक, ये कैसे सोल्व किया जाता है ये आप तो हम बताते हैं। सबसे पहले को जैसे देखिएगा क्या लेटर सीरीज से, आई थिंक CGL में इतना लमसम 3-4 क्वेश्चन होता है। और उसके बाद अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट कैंपस के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसमें से जैसे कैप्चा मिनी हुआ, इंफोसिस हुआ, ये सब क्वेश्चन आई थिंक 3-4 क्वेश्चन पूछ देता है इसमें, इस रिलेशन से। कभी इंग्लिश लेटर रहेगा, कभी लेटर रहेगा, कभी अल्फ़ाबेट रहे, कभी वही न्यूमेरिकल बेस रहेगा। तो वहीं आपको, चलिए आज बताते हैं। सबसे पहले आप जल्दी से इसको ये ऐसे कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 तक कर दीजिएगा। फिर ये ABCD इसमें लिखना शुरू कीजिए। फिर यहाँ 6 11 11 16 21 26। ठीक, और हम बोलते बोलते हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं इसलिए सॉरी। ठीक है, अब इसको ABCD पूरा लिख लेंगे। 26 लेटर होता है ABCD पूरा। अब जो बताते हैं आपको ये कैसे सोल्व किया जाएगा, हम इसको आगे कर लेते हैं। हम बताते हैं सोल्व करने का तरीका। ठीक है, अब ये हम आपको बताते हैं। जैसे DLIP है, ठीक। अब इसको हम आपको बताते हैं कि इसका क्या दिया है क्वेश्चन में, FNQR दिया है। ठीक है, अब इसका रिलेशन देखना है आपको। देखिए, डी का देखना है, DF, तो DF एक तू दो गो के बाद है। ठीक, तो इसको हम पॉजिटिव में, ठीक है, कभी कभी निगेटिव भी रहता है। ठीक, दूसरे का पोजिशन में। ठीक, ये हो गया। एल एल कहाँ है, यहाँ पे LMN, एन यहाँ पे है, एन करेंगे। यहाँ हो गया, ये +2 हो गया। ये आई है, आई का IJK। ठीक है, ये भी 2 है, आई थिंक PR के भी ये भी 2 है। ठीक, अब ये आपके लिए आसान हो गया, आपको मिल चुका है डबल 2 को आगे करना है। देखिए, आपको निकालना है JROP। ठीक ठीक है, दिख रहा है, हाँ ओके। अब J के बाद देखिए यहाँ पे KL आ गया आपका L। ठीक, R ये वाला लिखता दिख रहा है, हाँ R, ये R है, ये R। R के बाद ST आ जाइए। ठीक, और उसके बाद से आपके पास O है, O गया है, PQ आ जाइए। फिर ये V है तो VWX X हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हम थोड़ी सी गलती कर चुके हैं क्वेश्चन में, ये एक्स है। ठीक है, अब देखिए LTQX ये ऑप्शन हो गया। ठीक, अब इसी तरह एक और क्वेश्चन हमको आपको सॉल्व कराते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, इसे हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। जैसे XZGCAT। ठीक है, DOG को जब कहा डॉग, ये लोग समझ जाएगा कि कोई और रिलेशन है। जैसे बहुत सारा न्यूमेरिकल आती है, रिलेटिव रिलेटिव कॉज और रिलेटिव। जैसे कैट डॉग से ये जानवर है, ये क्या है, ऐसे एक क्वेश्चन भी आता है। तो अभी इसको हम इस सब सोच समझ के एक सब बनाया जाता है। मैं बता रहे हैं आपको, मतलब ये नहीं है कॉज और इफेक्ट नहीं है, इसलिए अब इसको क्वेश्चन बनाने के लिए वहीं इजी वे में देखिए। सबसे पहले इस दोनों के बीच का रिलेशन ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, ZG। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं CT। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं X। X रहा है मेरा एक, C है, Y 1 2 3 4 4 एंड 5 +5 है। हम यहीं से फिर से वहाँ शुरू में चले जाएंगे। यहाँ पे जैसे हम गिन रहे थे X, एक्स के बाद 1 2 3 4 5। ठीक, यहाँ से हम पॉजिटिव में चले जाएंगे। ठीक है, यहीं से AZ के बाद फिर A चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अब जेड जेड का रिलेशन याद करते हैं। जेड के A से देखना है, जेड के बाद A, तो एक मतलब 1 ही पॉजिटिव ये है, +1 है। ठीक, अब G के देखना है,
जी की तरह जी ये है, जी जाएगा, आपको दिख रहा है क्वेश्चन? हाँ जी जाए, ये जी है, जी जाएगा टी तक, टी का रिलेशन देखते हैं जी के बाद। जी ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 ये भी हो सकता है, या तो 13, ठीक है, पॉजिटिव 13 कर सकते हैं, ठीक। अब उसी तरह अब देखिए बता रहे आपको, डॉग DOG डॉग, 5 वो एक्स्ट्रा ले जाइए, 1 2 3 4 5 आई, ओ में प्लस वन, पी टी के नहीं जी के प्लस 3 13, यहाँ पे क्या है जी है, ये टी आ जाएगा, ताकि यहाँ पे भी जी है, तो जैसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, ये IPT हो जाएगा। अब इसके दो भी सकते बना सकते हैं, जैसे निगेटिव वाला भी बना सकते हैं, तो इसका थोड़ा निगेटिव वाला बनाएंगे तो इसका थोड़ा दूसरा आएगा, आई थिंक WLT आएगा, निगेटिव वाला हम बता रहे हैं आपको, जैसे X Z G है तो CAT है, ठीक है, तो ABCD देखेंगे, जैसे 1 2 3 -3 पर C, हाँ X है 1 2, हाँ ये होता है, जैसे 1 2 एक्स के बाद 1 2, ठीक है, लास्ट में, लास्ट से और फिर शुरू से सेम हो, इक्वल टू हो, ठीक है, लास्ट से एंड शुरू से। अब देखिए लास्ट में, देखिए 1 2 के बाद लास्ट में गिन रहे, 1 2 2 के बाद ये आ रहा है, ठीक है। आप उसके बाद सेम सी का भी देखेंगे, 1 2 आएगा, ठीक है, ये दोनों का 2 से है, ठीक है। जेड देखें, जेड है तो जेड 1 है, ई भी 1 है, ई भी 1 है, ठीक है, यन हो गया। जी है, जी कितना पर आता है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे आता है, ठीक है, आई लास्ट में 7 पे ये आता है, ठीक है, ठीक हो गया। उसी तरह DOG को शुरू देख रहे हैं कि कौन आएगा, जैसे ABCD, डी अब आता था 1 2 3 4, 1 2 3 4 पे, 1 2 3 4, तो इसलिए W हो जाएगा ये, ठीक है, ठीक, ये W हो जाएगा। अब उसी तरह O का है, ठीक है, O का क्या होगा कि जोड़ेंगे, जैसे 11 15 15, ठीक है, यहाँ शुरू से 15, ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, फिर इन्हें से 15 जोड़ेंगे करेंगे, तो देखा जाए तो 15 15 L तक हो जाएगा, ठीक है, L तक, ठीक। उसके बाद से उसके बाद G देखना, 1 2 3 4 5 6, 6 तक है, मतलब 6 तक, फिर उसके 1 2 3 4 5 6 T हो जाएगा, ठीक, यही होगा। थोड़ा सा अल्टा लिखा है, मतलब समझाए हैं अच्छा से, और आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब माय चैनल, मेरा थोड़ा राइटिंग जी है, बस आपको समझने के ऊपर है। हम थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू वाचिंग माय वीडियो।